भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जी रमेश कुमार बैस जी हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी मंच पर उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय आठवले जी हमारे विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी विधान परिषद की उपसभापति ताई गोरे यहाँ पर उपस्थित मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी हमारे साथी सांसदगण विधायकगण सभी गणमान्य मुंबई से पधारे हुए अतिथिगण सभी उच्चतम अधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों मैं सबसे पहले हम सभी की ओर से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का मुंबई की इस नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यहां पर पधारकर निश्चित ही हम सभी को गौरवान्वित किया है मुझे याद है कि पिछले वर्ष इसी महीने की चौदह तारीख को आप मुंबई आई थी उस समय आप प्रेसिडेंट डिजिग्नेट थी और हम लोगों को उस समय भी आपका स्वागत करने का अवसर मिला था किंतु आज का अवसर ये उससे भी बड़ा अवसर है क्योंकि इस दुनिया के महानतम देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई ऐसी आप जैसी एक गणमान्य व्यक्ति का स्वागत करना उनका नागरी अभिनंदन करना ये अपने आप में मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का अवसर है और वो हमें प्राप्त हुआ ये भी बहुत गरिमामयी है खर मजे माननीय राष्ट्रपति जी च एकूण व्यक्तिमत्व जे है, है अत्यंत प्रेरक अशा प्रकार से व्यक्तिमत्व है आज सकाळी ज्यावेळी आदिम जनजातीशी माननीय राष्ट्रपती महोदया संवाद करत होत्या त्यावेळी सांगताना त्यांनी त्यांच्या लहानपणाची आठवण सांगितली की ज्यावेळी शाळेत जाताना चपला नसायच्या त्यामुळे पळसाची पानं बांधून त्या ठिकाणी उन्हामध्ये चिखलामध्ये शाळेमध्ये त्या जायच्या किंवा पावसामध्ये बोरी त्या ठिकाणून लपेटून जावं लागायचं पण अशाही परिस्थितीत त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं आणि एक शिक्षिका म्हणून त्यांनी हा निर्णय केला की इतरांनाही शिकता आलं पाहिजे आणि म्हणून त्यांनी ही व्यवस्था उभी केली की जास्तीत जास्त लोकांना शिक्षण कसं घेता येईल आणि म्हणूनच खरं म्हणजे माननीय राष्ट्रपति जी आपके नाम से कई रिकॉर्ड है जैसे आप अपने गांव से कॉलेज जाने वाली पहली लड़की थी आप देश की पहली महिला पार्षद बनी वहां की उसके बाद सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ आप देश की पहली आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति बनी उड़ीसा से आने वाली आप पहली राष्ट्रपति बनी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली आप पहली राष्ट्रपति बनी ऐसे कई रिकॉर्ड राष्ट्रपति जी ने आज यहां पर तैयार किए हैं और आपका जो व्यक्तिमत्व है उसकी जो सरलता है उसकी जो तरलता है ये सारी चीजें मैं ऐसा मानता हूं कि आपको महान बनाती है और विशेष रूप से राज्यपाल के रूप में आपने जो कार्य किया वो भी बहुत उल्लेखनीय है एक राज्यपाल किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं इसकी मिसाल आप बनी और जहां पर हमारे जनजाति के लोगों के पिछड़ों के अधिकारों की बात थी जहां पर इस प्रकार की चीजें थी वहां पर आपने भूमिका ली और मुख्यमंत्री जी को संवाद करके वो उचित निर्णय करे इस प्रकार की भूमिका भी आपकी हमेशा रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी के कारण आज राष्ट्रपति के रूप में आप जब कार्य कर रही है तो ऐसे समय आपने जिस प्रकार से भारत में विशेष रूप से पीवी के से लिए जो हमारे आदिम जनजातियां है उनके लिए एक बहुत दृढ़ भूमिका रखी है उनके लिए नई योजनाएं आपने तैयार करवाई है और जिन लोगों ने सही मायने में जल जमीन और जंगल को हमारे देश में प्रोटेक्ट किया ऐसी सारी आदिम जनजातियों के लिए जो संवेदना आप में देखी गई मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित ही एक आपकी महानता को यह दर्शाता है मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संकल्पना की है और यह काल जो 25 वर्ष में भारत को एक विकसित देश के रूप में प्रस्थापित करेगा इस अमृत काल की शुरुआत में आपका राष्ट्रपति पद पर विराजमान होना मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के लोकतंत्र की महानता को यही प्रतिपादित करता है कि एक छोटे से गांव से निकली हुई एक आदिवासी बालिका इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकती है इससे सुंदर हमारे संविधान की देन क्या हो सकती है इससे सुंदर हमारे लोकतंत्र का उपहार क्या हो सकता है और इसी के लिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपने ये मौका हमें दिया इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं जय हिंद जय जै महाराष्ट्र